नगर विकास न्यास का अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ फेल, स्थानीय लोगों ने पूर्व रोड पर लगाया जाम। बिलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत न्यास की टीम अपने दस्ते के साथ शहर के पूर्व रोड पांसल चौराहे से रिक्को तक अतिक्रमण हटाने पहुंची, मगर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यूआईटी की अतिक्रमण टीम कुछ ही दूरी पर अतिक्रमण हटाकर सिमट गई। दरअसल हुआ यूं कि अतिक्रमण दस्ता जैसे ही पूर्व रोड पांसल चौराहे पहुंचा और जैसे ही दस्ते ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व रोड जाम कर दिया, जिसके चलते वहां जाम लग गया। इस दौरान व्यापारी वर्ग के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों में तिक्की नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हो गई। हंगामे के करीब 30 मिनट बाद प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। वहीं नगर विकास न्यास द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोग विरोध करते हुए भी नजर आए। फिलहाल नगर विकास न्यास का अतिक्रमण हटाओ अभियान राजनीतिक भेंट चढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर कार्रवाई कर सिमट गया। जो यूआईटी द्वारा ये काम किया जा रहा है उससे मैं खुश हूँ। एक तरह से जो मेन रोड पे जितनी भी अतिक्रमण किया हुआ है वो एक तरह से अच्छा कदम है। जितनी जिस तरीके से लोगों ने उस पर कमाई कर रहे हैं, एक तरह से कमाई हो रही है कि लोग भाई ये करते हैं कि भाई किसी की दुकान है कौन किराया ले रहा है, तो मकसद बहुत अच्छा है यूआईटी का। तो मैं चाहूँगा कि मेन रोड, और मैं मंडी का ही इसलिए कहता हूँ कि भाई मंडी माल्य बहुत दूर से पुर से आती हैं, पुरानी तो पुरानी बरसों से मंडी है ये, तो मैं चाहता हूँ कि इनको कुछ समय दिया जाए या तरीके से इनका वेंडिंग जोन का मैं पास बनवाऊँगा सबका, ताकि ये तरीके से अपना और हम बहुत ही कुछ ही समय के अंदर अपन मंडी को इसको वेंडिंग जोन में ला करके और इसको सुव्यवस्थित कर देंगे। तो कुछ समय मांगा है मंडी के लिए अपन ने, और बाकी अब मेरी तरफ से बाहर जो पूरा जितना भी पूर्व रोड तक है उसका पूरा सफाया होना चाहिए, और मैं इसमें राजी और मैं मालिनी मैडम को फोन लगा रहा हूँ। पता नहीं वो तो किसी कारण से किसी के कहने से उन्होंने अभी कुछ रुकवाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये काम वापस सुचारू रूप से चालू हो, और मंडी के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा समय दिया जाए, इसको अपन सुव्यवस्थित करें। इसमें ये कहा गया कि थैलों को जो हाथ थैला है उनको तोड़ा गया कि ये थैले आते हैं वेंडिंग जोन में, उसके बावजूद भी वो देखो साहब एक वेंडिंग जोन में नहीं आते, उसके बाद एक थैला गरीब आदमी का बुजुर्ग का तोड़ा गया है। ये लेबर डिपार्टमेंट है नगर परिषद की ना जमीन है, ना यूआईटी की है, श्रम विभाग की जमीन है, ये बरसों से काबिज है। यहाँ जो महिलाएँ जो सब्जी बेचती है, सब्जी अपना जीवन यापन करती है, वो घंटे दो घंटे उनके सिर्फ उनके तराजू वगैरह पड़ा है, कोई अतिक्रमण नहीं, दिन में कोई रास्ता जाम नहीं, शाम को कोई रास्ता जाम नहीं, सब सिस्टम से बैठते हैं। रही बात उस लाइन की जो सर्विस लाइन की, उस पर अगर अतिक्रमण तो वो जाए, उसको हटाना चाहिए संदेहकरण भी। यहाँ से हटाने के बाद चेयरमैन साहब से मेरे द्वारा कहा है रोजगार गारंटी में कितने जनों को आपने रोजगार गारंटी दी जो खेलों के केबिन के आड़े। मैं एक और मेन पॉइंट करना चाहता हूँ, जो बिलवाड़ा डेयरी दुगत जो बुत लगे हैं ना, वो नाम से नगर परिषद 500 रुपये तो उनका चार्ज लेती है किराए का, लेकिन उसके अंदर सब तरह के धंधे चलते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट, जबकि आदमी उस जगह को लेकर कोई भी किसी ने ढाबा खोल लिया, किसी ने चाय की होटल खोल ली, तो उससे लगा के गोली बिस्किट ये सब बेचना कर रहे हैं। वो चीज़ें इनको नहीं दिखती, क्योंकि उन पर भी ये नियम लागू होना चाहिए नगर भैया। आपको इस तरह के कहा गया है कि आप दूध के अलावा आप नहीं बेच सकते डेयरी प्रोडक्ट के अलावा, और ये आते हैं करते हैं, गरीबों का करते हैं, शासन प्रशासन वाले अपनी मर्जी से बिना कोई, जबकि नियम होता है नोटिस दिए बगैर कोई भी हो कैसा भी हो, कानून के संविधान के तहत बिना नोटिस आप किसी के खिलाफ क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हो। ये बहू जी की जो इनका ठेला तोड़ा गया है, इधर बहू जी ये ठेला आपका किराए का इनका, ये खोलते खोलते ताला खोलते खोलते भी उसको तोड़ दिया गया ठेले को, इसका क्या नगर परिषद देगी इसका चार्ज या भुगतान इनको देंगी या इनकी पेटा भरी के लिए? आज आपने विरोध प्रदर्शन अभी प्रदर्शन किया आपने, किस कारण प्रदर्शन किया जी? आपने अभी प्रदर्शन किया था ना, किस कारण प्रदर्शन किया था? यही कहा था कि जो जोन में वेंडिंग जोन में जो आ रहे हैं उनको बिना नोटिस नगर परिषद सबके, इन्होंने लाइसेंस बना रखे वेंडिंग जोन के कार्ड बने हुए हैं, नगर परिषद इनसे चार्ज ले जाती है, उसके बावजूद बिना नोटिस दिए तोड़ दी, इसलिए विरोध किया आप नगर, जबकि सर्विस लाइन का था ना कि नगर ये लेबर गोली मंडी के तोड़ने के थे।